हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन द टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप आखिरी तक देखिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। देखो क्या लिखा है पे, अ कॉलर ऑफ मास 5 kg कैन स्लाइड अलॉन्ग वर्टिकल बार एज शोन इन द फिगर। आपको एक कॉलर दिया हुआ है जिसका मास आपको कितना दिया, 5 kg दिया हुआ है। इट कैन स्लाइड अलॉन्ग दिस वर्टिकल बार, ठीक है, यहाँ पे ये स्लाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे फिगर में, ये पोजीशन नंबर 1 से जो है पोजीशन नंबर 2 तक आया है, इस फिगर में जैसे दिख रहा है। द स्प्रिंग अटैच्ड टू द कॉलर इज इन अनडिफॉर्म्ड स्टेट ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर्स। ये जो है कॉलर आपका एक स्प्रिंग से अटैच्ड है जो कि क्या है, अनडिफॉर्म्ड स्टेट में है, जिसकी लेंथ होगी रियल जो लेंथ उसकी है दैट इज 20 सेंटीमीटर्स। ओके, ए से बी तक का उसकी जो लेंथ दैट इज 20 सेंटीमीटर्स एंड स्टिफनेस इज गिवन एज 500 newtons per meter। ओके, इफ द कॉलर इज सडनली रिलीज्ड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कॉलर इफ इट मूव्स 15 सेंटीमीटर डाउन। ठीक है, यहाँ पर जब उसको रिलीज करें तो ऑब्वियसली बात ही नीचे आएगा, ठीक है। नीचे आएगा तो कितना नीचे आएगा, ये 15 सेंटीमीटर नीचे आएगा। अब इसको जो है पोजिशन नंबर 2 को हम क्या मानेंगे, रेफरेंस मान लेंगे, ताकि ऊपर में जो भी रहे सब पॉजिटिव रहे। तो ठीक है, यहाँ पर लिखो क्या लिखा हुआ है, ग्रेविटी फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स आर बोथ कंजर्वेटिव फोर्सेस। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वही आपका क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करेंगे, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अपन वहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सो वी कैन अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर जो पोजिशन नंबर 1 और पोजिशन नंबर 2 दिया है दैट, उस पर हम क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। तो पोजिशन 1 पर हम क्या निकालेंगे, अब टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो टोटल एनर्जी टी ई एट पोजिशन 1 दैट इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 1। ओके, तो सिंपल सी बात है, ये कॉलर जो है अब यहाँ पे रखा हुआ है, और ये जब इसको अपन रिलीज करेंगे तो ये कितना नीचे आएगा, ये एच डिस्टेंस दैट इज 15 सेंटीमीटर नीचे आएगा ये। तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उसमें नहीं रहेगा, बिकॉज ये इस जगह पे क्या है, रेस्ट में दिया हुआ है, रेस्ट पोजीशन पे है एट पोजीशन नंबर 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। ओके, स्प्रिंग का तो यहाँ पे कोई भी पार्ट प्ले नहीं होगा, बिकॉज ये अपना क्या है, अनडिफॉर्म्ड स्टेट में है। जब ये डिफॉर्म्ड होगा तभी हम इसका क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो टोटल एनर्जी एट 1 मुझे कितना मिला, देखो यहाँ पे MgH। अब हम क्या करेंगे, पोजीशन 2 पे निकालेंगे टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पोजीशन नंबर 2। देखो यहाँ पे टी ई 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो दिस इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 2 कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे अगर, तो जब आपका कॉलर यहाँ पहुँच चुका रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ सम वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे सम वेलोसिटी कितना होगा, मान लो वेलोसिटी भी होगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, और वी जो है वेलोसिटी अटेंड बाय द कॉलर एट पोजीशन नंबर 2 होगा। वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी वी है ना, बेसिकली अपने को यही क्वेश्चन में पूछा है। तो क्या पूछा क्वेश्चन में, इफ द कॉलर इज सडनली रिलीज्ड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कॉलर इफ इट मूव्स 15 सेंटीमीटर डाउन। तो अपने करना है क्या, यहाँ पे इस वेलोसिटी वी को ही निकालना है। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे कॉलर का तो 0 ही होगा, क्योंकि कॉलर जो है जितना उसको नीचे आना चाहिए था उसको नीचे आ चुका है। अब पोटेंशियल एनर्जी किसका बचेगा, सिर्फ और सिर्फ इस स्प्रिंग का बचेगा, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी अपन लेंगे यहाँ पे, किसका लेंगे अपन, यहाँ पे स्प्रिंग का लेंगे, और वो कितना होगा देख लेते पहले। इसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ के डेल स्क्वायर। ओके, तो बात ये आती है कि वेलोसिटी का निकालना मुझे, तो वहाँ पे मुझे डेल की वैल्यू पता होना चाहिए। तो अगर मैं इस, मुझे डेल इसका पता नहीं है फिलहाल अभी, ठीक है, मुझे दिया हुआ दिस इज 20 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज 15 सेंटीमीटर्स। इफ आई कंसिडर दिस ट्राइंगल, अगर मैं इसको एक ट्राइंगल कंसिडर करूँ, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ए, ये बी और ये सी है। तो दिस इज सी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, दिस इज 15 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर्स। तो पाइथागोरस अप्लाई करके, क्योंकि आप अपना क्या 90 डिग्री है, पाइथागोरस अप्लाई करो एंड यू विल फाइंड दैट दिस लेंथ इज 25 सेंटीमीटर्स। उसका मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन पहले कितना था, लेंथ इसका 20 था, अब कितना होगा, 25 हो गया। तो यहाँ पर डेल कितना होगा, 25 माइनस 20 सेंटीमीटर दैट इज 5 सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिखेंगे, 0.05 मीटर्स लिखेंगे। ओके, डेल की जो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुका है। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी यहाँ पे जो दिया उसको अपन यहाँ प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे प्लेस मत करो, यहाँ पे लिखो, सिंस
एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो टोटल एनर्जी एट वन इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट टू, ओके। तो वन पे लिखो अपना एनर्जी कितना, एम जी एच है, एम जी एच इक्वल्स टू यहाँ पे लिखो हाफ के डेल स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको एक ही क्वांटिटी है जो कि क्या है, अननोन है, एंड दैट इज वेलोसिटी। बिकॉज वेलोसिटी को छोड़ करके बाकी जितने क्वांटिटी यहाँ पर है ना, सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो वेलोसिटी निकाल के आप मुझे बताओ कमेंट लिख करके कि किसकी वैल्यू कितनी आएगी और किस में आएगा, मीटर्स पर सेकेंड में आएगा, ठीक है। तो आप फाइनली जो है मुझे आंसर बताओ कॉमेंट्स में लिख करके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।